यूट्यूब चैनल बीआरटी नॉलेज में और इस वक्त की बड़ी खबर भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से वो चीनी ऐप्स हैं जिन पर भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और वो अब से भारत में नहीं चलेंगे। भारत चीन बॉर्डर टेंशन के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर चीन को झटका दिया है। भारत सरकार ने लोकप्रिय चीन ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार इन चीनी ऐप से देश की जनता पर खतरा बताया जा रहा था। आइए इन चीनी ऐप की लिस्ट देखते हैं और वो कौन कौन से चीनी ऐप से है जिन पर भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखते हैं हम, जैसे कि पहला टिकटॉक और शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, बायडू मैप, और अगले हम और ऐप्स को देखते हैं तो शैन, क्लैश ऑफ किंग, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सी एम ब्राउज़र, वायरस क्लेनर, एवस ब्राउज़र, रोमू, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यू सी न्यूज़, क्यू क्यू मेल एंड वाइबोस, वाइबो, एग्जेंडर, क्यू क्यू म्यूज़िक, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर एंड एम आई वीडियो कॉल, एक्स मोमी, वी सेंस, एक्स फाइल एक्सप्लोर, वीवो वीडियो, मेटी, वीगो वीडियो, न्यूज़ वीडियो स्टेटस एंड डी रिकॉर्डर, डी यू ब्राउज़र, हगो प्ले विथ ने फ्रेंड, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मेट, स्वीट सेल्फी, बायडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, यू फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेंस, ड्यू प्राइवेसी। ये 59 ऐप जो जिसको भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब से ये भारत में नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी ये उन 59 ऐप्स में से जो भी चीनी ऐप है उनको बायकॉट कीजिए और उनको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये रही आज की एक बड़ी खबर जिसमें भारत सरकार ने